शहर के साथ प्रखंड में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया तीज का पर्व। कटियार के बरारी प्रखंड क्षेत्र के पूर्वी बारी नगर पंचायत में जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष मनोज सिंह कुशवाहा के निजी निवास पर दर्जनों महिलाएं सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर हर्षोल्लास के साथ तीज पर्व पर विधि विधान के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पंडित गोपाल झा ने विधि विधान के साथ पूजा पाठ किया। पंडित गोपाल झा के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ व्रत कर रही महिलाओं को पति की लंबी आयु व बेहतर स्वास्थ्य के लिए कथा के माध्यम से ज्ञान दिया गया। मौके पर व्रती पूर्व उप मुखिया सुनीता देवी व्रती ज्योति कुमारी ने बताया कि पति की लंबी आयु के लिए ये व्रत 24 घंटा निर्जला उपवास कर किया जाता है। पार्वती मैया ने शिव भगवान को पाने के लिए जंगल में ये पर्व किया था, उसी दिन से पृथ्वी लोक पर ये पर्व मनाया जाता है। बरारी से नरेश चौधरी की रिपोर्ट। आज जो तीज का पर्व है, किसके लिए और क्यों किया जाता है? तीज पर्व का बहुत महत्व होता है। एक दिन पहले जो है नहाई खाई होता है, उसके बाद निर्जला उपवास करके तीज पर्व अपनी पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। इसका बहुत सारा महत्व है, जो शिव के लिए पार्वती ने किया था जंगल में रह के, इसीलिए हम लोग भी करते हैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए। और विशेष इस पर्व का महत्व? बहुत सारा महत्व है, उतना तो हम नहीं बता सकेंगे। और सारी बहनों से मेरा निवेदन है कि वो लोग भी जो समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता देवी। आज तीज पर्व आप लोग मना रहे हैं, किसके लिए? अपने पति के और अपने परिवार के सुख समृद्धि के लिए, अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। आखिर ये पर्व क्यों मनाया जाता है? मेरे ख्याल से तो ये पर्व इसलिए मनाया जाता है ताकि जिस तरह शिव और पार्वती की आदर्श जोड़ी है और उनके लोग उनको आदर्श मानते हैं एक पति पत्नी के रूप में, एक अच्छे परिवार के रूप में, उसी तरह से हम लोग भी उस आदर्श को अपने जीवन में उतारें और उसी आदर्श परिवार के रूप में अपने आप। ये खास पर्व अपने पति के लिए किया जाता है? ऐसा तो पति और अपने परिवार के लिए, सबके लिए, पति के लिए ही नहीं। क्या नाम हुआ आपका?